विपुल हॉटस्पॉट चालू कर ना, राव दे राव दे उधर आ जाओ नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो लगाया और आपने देखा है, लगातार कार्रवाई यहां पर इस कनेर फाटा के पास में जारी है। यहां प्रशासन के आला अधिकारी, स्वयं तहसीलदार मैडम, एसीबी साहब और महानगर पालिका के सहायक आयुक्त जगह पर मौजूद है और संयुक्त कार्रवाई ये तहसील प्रशासन और महानगर पालिका की प्रशासन की हो रही है। अब यहां कार्रवाई में जैसा कि अभी मैडम ने से हमने बात की और मैडम ने बताया कि ये जो ज़मीन है वो शासकीय ज़मीन है, जिस पर अनाधिकृत तौर से चाल और रूम बनाए गए थे उनको निष्कासित किया जा रहा है। आज और कल ये कार्रवाई, दो दिन कार्रवाई चलने वाली है और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई इन दो दिनों में देखी जाएगी। अब सवाल कुछ ऐसे है कि यहाँ जब ये रूम बने थे तब प्रशासन क्या सोया था? क्या तब प्रशासन को ये नहीं समझ में आया कि ये शासकीय ज़मीन है? तब क्यों नहीं उन भू माफियाओं को रोका गया? अभी यहाँ पर आगे के वीडियो में आपने देखा है, लोग विरोध कर रहे, कानून को हाथ में लेने की कोशिश भी कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ने के हालात भी थे। तो उसके पीछे का कारण यही है कि जब ये ऐसे अवैध निर्माण होते हैं तब प्रशासन गहरी नींद में सोया रहता है, लेकिन जब प्रशासन को कोई तकरार आती है, कोई कंप्लेन आती है, तो प्रशासन चल निकलता है अपना बुलडोजर लेकर। कार्यवाही को हमारा विरोध नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। सरकारी जगह है तो वो खाली होनी ही चाहिए, लेकिन उस सरकारी जगह को पहले ही पूरी तरह से कब्जा कैसे कर दिया जाता है, इसके ऊपर क्यों नहीं कोई ध्यान लगाता है? यहाँ अक्सर लोग, कोई रो रहा है, कोई सर पीट रहा है, वो यही बोल रहे कि हम कई सालों से यहाँ पर हैं और हमारे गाड़ी कमाई की, हमने जो मेहनत की पैसे यहाँ लगाए हुए हैं, आज वो बर्बाद हो गए। हालांकि वो लोग भी सही नहीं हैं, मैं उनको भी सही नहीं मानता हूँ जो खुद आज ये रोना रो रहे कि हम गरीब हैं, कहाँ जाएँ, क्योंकि खुद उनको ये मालूम है कि इल्लीगल है। वही लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी समय रहते अगर इन पर कार्रवाई होती तो आज इस तरह से माहौल बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। हालांकि अभी तक शांति है, किसी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और प्रशासन की कार्रवाई जारी है, लेकिन क्या प्रशासन इसके इंतज़ार में है कि कभी कोई अप्रिय घटना घट जाए? तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर जो हुआ सो हुआ, आगे भी प्रशासन को कम से कम समझने की ज़्यादा आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह से हालात पैदा न हो और कहीं पे भी बाद में कार्यवाही करने की नौबत ही ना आए। अभी के लिए इतना ही। विरार से यूसुफ अली। आज या ठिकाणी जी कार्रवाई करतो है ना, ते सर्वे नंबर आमचे शासकीय आहेत, महाराष्ट्र शासनाचे नाव 7/12 आहे आणि या ठिकाणी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने नंतर आज आणि उद्या ही कारवाई आम्ही प्रस्तावित केली आहे आणि त्याप्रमाणे कारवाई करतोय। मॅडम, आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून लोकांना मी अपील करू इच्छिते की कोणीही
जागेचे मालकी हक्क बघितल्याशिवाय कृपया व्यवहार करू नका, त्याच्यामुळे खसगत होण्याची दाट शक्यता। मैडम आज 4-5 साल से लोग रह रहे हैं, घरपट्टी लगी है, मीटर लगा हुआ है, उनकी ऐसी तकरार है कि 4-5 साल से प्रशासन कहाँ पर थी और 4-5 साल पहले कार्रवाई क्यों नहीं? घरपट्टी और लाइट बिल जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है इसलिए देते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का सर्वे नंबर है इसलिए हम लोग कार्रवाई करें। अब आप लोगों कितने ऐसे रूम है जिनका आज कार्यवाही आज जास्तीत जास्त करायचा प्रयत्न आहे, जे खाली आहे ते प्रथम आम्ही टार्गेट केलेले आहे, ज्याच्यामध्ये लोक राहतील। मैडम जो घूम अभी है जो रूम जो इनको जो बेकार जो है इनको पर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? जो ओनर है अभी उन्होंने पुलिस के पास जाना चाहिए, फिर कंप्लेंट दी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हम ये थोड़ा कार्रवाई की आपको वीडियो विजुअल्स दिखा रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ एक स्कूल है, स्कूल का गेट है वो आप देख सकते हैं तोड़ा जा चुका है, स्कूल का गेट और उसकी तोड़ पर थोड़ा कार्रवाई हो चुकी है। इसके आजू बाजू के जो रूम थे घर थे उनको तोड़ा जा चुका है, ये अलमारी वगैरह सब लगा हुआ सामान देख। अब स्कूल है, हम स्कूल के अंदर आएंगे, स्कूल अभी भी जारी है। स्कूल में इस समय बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले में जहां प्रशासन जहां बांधकाम अथॉरिटी फिर चाहे महानगर पालिका हो चाहे तहसील प्रशासन हो ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम शिक्षा विभाग से सवाल पूछना चाहेंगे कि आज इस स्कूल का गेट टूटा है इसके साबित करता है कि स्कूल अनाधिकृत है। तो ऐसे वसीनार में ये एक स्कूल नहीं है, कई स्कूल है जहाँ हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी था कि स्कूल अनाधिकृत स्कूल के ऊपर उनको बोर्ड लगाना है कि ये स्कूल अनाधिकृत है और उनको तोड़क कार्रवाई करनी है। तो ऐसे स्कूल आज भी वसई विरार में कई स्कूल जारी है। अब सवाल ये है कि जब बिल्डिंग ही अनाधिकृत है तो स्कूल को एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो स्कूल के रूप में परमिशन कैसे दे देता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या जगह पर जाकर पंचनामा जगह पर स्थल पहाड़ी वगैरह नहीं करता है? क्या सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे ऐसी ऑफिस में बैठे बैठे वो लोग ये देख सकते हैं कि हाँ ये जो हमारे पास फाइल आई है वो लीगल है? ये स्कूल अभी भी जारी है, वहाँ बच्चे हैं, इस तोड़प कार्यवाही में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलेगा कि ये कार्यवाही की थी तहसीलदार ने और महानगर पालिका ने, जिम्मेदार वो है, लेकिन क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? आपने यहाँ पर स्कूल चलाने की परमिशन दी है, इसके लिए स्कूल शुरू है। और कम से कम तहसील प्रशासन को भी ये चाहिए था कि जब यहाँ पर तोड़क कार्यवाही हो रही है तो आज के दिन इन बच्चों को कम से कम यहाँ से शिफ्ट करवाया जाता। हालांकि अभी ये पीछे की तरफ है और वहाँ पर तोड़क कार्यवाही नहीं आई है, लेकिन हादसा कह के नहीं होता है। अगर हादसे कहकर होते थे तो ज़िंदगी में कभी हादसा ही नहीं होता। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की एक नहीं दोहरी गलतियां भी है, उसको प्रशासन को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786